Yes, we are live now. Hello friends. This is Imanchi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे आज जो एग्ज़ाम हुआ आपका अभी दो महीने पहले अगर हम बात करें अगस्त की तो अगस्त में कैसा पेपर आया ऑफलाइन हुआ एग्जाम ऑनलाइन के बाद और दो बार लगातार ऑनलाइन होने के बाद ऑफलाइन में कन्वर्ट हुआ और कैसा पेपर रहा अच्छा पेपर रहा अच्छे क्वेश्चन पूछे गए ये पेपर वन का एनालिसिस है प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को एकदम उसका पोस्टमार्टम कह लीजिए आप या फिर एनालिसिस सही शब्दों में अगर हम कहें तो एनालाइज़ करेंगे विश्लेषण करेंगे एक एक लाइन uh, का मतलब बारीकी से समझेंगे एक एक ऑप्शन का मतलब बारीकी से समझेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और जिनका इस बार नहीं हो पाया बाई चांस तो उनको समझने में कहाँ दिक्कत आएगी और क्वेश्चन को पढ़ के समझने की अप्रोच क्या है तब हम आगे सिलेबस जो है आपका लेकर के चलेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए यूट्यूब पर क्लासेस कब से शुरू हुई यूट्यूब पर क्लासेस ऑलरेडी शुरू ही है आ, बैच में भी ये क्लास आज जा रही है वैसे तो चैप्टर वन मुझे आज से कराना था बट वो दिवाली के बाद करेंगे इतने बाकी क्लासेस आपको डेली मिल ही रही हैं और आ, स्टार्ट करते हैं नौ बजे का टाइम ही अभी के लिए रखते हैं आप में से ज़्यादातर लोगों ने वही सेलेक्ट किया बैच का टाइम डिफरेंट रहेगा वो अभी आप एक दो दिन रुक जाइए पता लग जाएगा स्टार्ट करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र थर्टी क्वेश्चन पेपर वन की भी हम बात करें सिलेबस सेम है पेपर टू वालों को भी यही देखना चाहिए और इस बार तैयारी जम करके शुरू करनी है शुरुआत से ही क्योंकि पेपर ठीक ठाक बनाया गया दूसरा समय पहले छह महीने मिला करते थे फिर तीन महीने मिलने शुरू हुए आपके सी के एग्जाम में और अब दो से ढाई महीना ढाई महीना भी पूरा नहीं है हमारे पास तो स्टार्ट करते हैं समझते हैं क्वेश्चन नंबर वन थर्टी मार्क्स का ये पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र ये आप सी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं कोशिश कीजिए बेशक आपने अभी पढ़ना शुरू किया हो आप नए नए तैयारी में आए हों कोशिश कीजिए जवाब देने की डिस्ग्राफिया का मतलब पूछा है आपसे पढ़िए मैं साइड हो जाती हूँ और जवाब देने की कोशिश कीजिए फिर हम चर्चा करेंगे कि कौन सा जवाब है और क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए कौन सा जवाब जो नहीं है ठीक है जी सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम नाम सतशल वॉड यू फील कनेक्टेड विद पेपर टू पेपर वन दोनों इसी में है इसके अलावा जो लोग बैच लेकर के ही पढ़ाई करना पसंद करते हैं तो वो करियर वेल पर जुड़ सकते हैं बैच आपका एडमिशन जो है वो ओपन है कहीं और मत फंसेगा मेरे नाम पे या करियर विल के नाम पे कोई टेलीग्राम चैनल हो कोई वेबसाइट हो है ना बहुत सारे लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं बैच में एनरोल कर चुके हैं तो वहाँ सारे टीचर्स चाहे पेपर वन हो पेपर टू हो अपना अपना सब्जेक्ट्स मैं सी डी पी आपके साथ और ये एक चीज़ रहेगी चलिए आते हैं समझते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिनको ढूंढने में दिक्कत है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्ग्राफिया इज अ यानी डिस्ग्राफिया क्या है डिस्ग्राफिया क्या है बताइए थर्ड ऑप्शन 54 परसेंट लोग दे रहे हैं आंसर की तो नहीं खोल के बैठे हो आई होप नहीं बैठे हो समझते हैं ये आंसर तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे लेकिन ये जो समझने की जो अप्रोच है क्वेश्चन की वो हमें यहाँ डेवलप करनी है एक एप्टीट्यूड डेवलप करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैटरिंग एंड एरर्स इन आर्टिकुलेशन यानी एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है देखिए डिजग्राफिया ग्राफ बनाने से याद रखना होता है मैंने बहुत बार कहा है ग्राफिया का मतलब है यहाँ राइटिंग से है ना ग्राफ का मतलब है ग्राफ किससे बनाओगे पेन से हाथ से यानी लिख करके ग्राफ बनाते हो तो उससे याद रखना है ग्राफ जहां भी आ जाए मतलब राइटिंग फोन जहां भी आ जाए यानी साउंड बोलने से संबंधित ठीक तो ये कह रहे हैं स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति हकलाएगा या फिर आर्टिकुलेशन में दिक्कत होगी शब्दों को ठीक से बोलने में दिक्कत होगी तो ये डिसफेजिया हो सकता था अफेजिया हो सकता था बट ये डिसग्राफिया नहीं हो सकता ठीक तो ये एक बार को हम अफेजिया या डिस्फेजिया इसको कह देते ये क्या है लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जो अलग अलग जैसे आपने वो तारे जमीन पर वाला बच्चा देखा था ईशान अवस्थी उसको क्या था Dyslexia था यानी पढ़ने में दिक्कत होती थी है ना तो यहां पे ये गलत हो जाएगा लोको मोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय ग्रॉस मोटर इंपेयरमेंट तो लोको मोटर डिसेबिलिटी होती है जिसमें हड्डियों में समस्या होती है और चलने फिरने में दिक्कत होती है यह भी डिसग्राफिया नहीं हुआ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स यानी एक तंत्रकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है यानी बनाने में यानी लिखने में दिक्कत है और ग्राफिया का मतलब क्या है यहां सीधा लिखने से है ठीक है ना और चाहे वो डिस्ग्राफिया हो डिस्सिया हो डिस्कैलकुलिया हो डिस्फेजिया हो ये सारे क्या है एक तरह के न्यूरोलॉजिकल वायरिंग की प्रॉब्लम होती है यानी बच्चे में दिमाग की कमी नहीं है बच्चे का आईक्यू कम नहीं है एवरेज आईक्यू वाले बच्चे को भी क्या है डिस्ग्राफिया हो सकता है डिस्लेक्सिया हो सकता है वो जो ईशान अवस्थी था तारे जमीन पर में जो इतना अच्छा आर्टिस्ट बाद में बनते हुए उसको दिखाया गया बहुत अच्छी ड्राइंग करता था क्या उसके दिमाग में कमी थी नहीं इनका ब्रेन न्यूरोलॉजिकली वायर्ड होता है डिफरेंटली यानी ब्रेन में जो चीजें चल रही होती हैं वो डिफरेंट होती हैं हो सकता है आपको ए ऐसा दिखाई दे रहा है इनको ए ऑपोजिट दिखाई देता हो है ना आपका सिक्स और इनका सिक्स ऐसा होता हो तो इनके ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये कि ब्रेन में प्रोसेसिंग वैसे होती है शब्दों की या कैरेक्टर्स की ठीक है ना तो ये ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स यानी एक तंत्र की विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है ए बनाने में उसको दिक्कत होगी इसकी अगर आप नोटबुक देखेंगे तो एक चीज आएगी इन राइटिंग यानी अपठन योग्य लेखन ऐसा लेखन जो लेजिबल नहीं है अगर हम डिस्ग्राफिया वाले बच्चे की बात करें तो हम ये कहेंगे कि भाई ये ऐसा लिखेगा डिस्ग्रेफिया वाला बच्चा डिस्ग्राफिया वाला जो बच्चा है क्योंकि ग्राफ से मतलब है लिखने से यहां पे राइटिंग डिसऑर्डर है एक लेखन संबंधी विकार है तो ये लिखता ऐसा है कि आप पहचान नहीं पाएंगे इलैजिबल होगा इलेजिबल लेजिबल क्या होता है भाई लेजिबल होता है पढ़ने योग्य जिसको पढ़ा जा सके जैसे ये जो मैंने लिखा है होपफुल आप इसको पढ़ पा रहे होंगे इसका मतलब ये राइटिंग लेजिबल है पढ़ने योग्य है लेकिन इलेजिबल क्या होगा कुछ लोग होते हैं डॉक्टर्स की राइटिंग हम नॉर्मल लोगों के लिए क्या इलेजिबल ही होती है अपठन योग्य ही होती है कि हम पढ़ के समझ नहीं पाते क्या लिखा है भाई है कई लोग होते हैं उनकी राइटिंग खतरनाक ही होती है हम समझ नहीं पाते बच्चे जो छोटे होते हैं कई बार वो वैसे ही लिख देते हैं बिल्कुल कुछ और ही एकदम जादू की भाषा में है ना जादू समझ रहे हो ना कोई मिल गया वाला तो इन लेजिबल या आपन आप योग्य है डिस्ग्रेफिया वाले बच्चे की राइटिंग तो ये भी आप समझ जाएंगे एक इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि एक बच्चा है जिसकी नोटबुक देख करके आपको कुछ समझ नहीं आता या लेजिबल नहीं है वर्ड्स टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं लाइन एक लाइन में नहीं है

विकार कहते हैं उसको हम एडीएसडी तो ये अलग अलग विकार कौन सा कौन सा होगा ये भी मैंने आपको बता दिया और डिस्ग्रेफिया के बारे में भी हमने बात कर दी अगर डिसलेक्सिया की बात करें ये तीन चार डिसऑर्डर्स हैं जो आपको बेसिकली मुंह जबानी पता होने चाहिए जितनी बार रिवीजन होगा उतना अच्छा है ठीक है ना अगर हम बात करें डिस्ग्रेफिया की हमने पढ़ लिया कि भैया डिस्ग्रेफिया होता है लेख लिखने से संबंधित राइटिंग रिलेटेड एक विकार है डिसऑर्डर है डिस का मतलब ही होता है डिसफंक्शनल होना यानी चीजें प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं लेक्सिया का मतलब यहां रीडिंग से है कि बच्चा छे को नौ पढ़ता है गॉड को डॉग पढ़ता है को सौ पढ़ता है है ना रीडिंग डिसऑर्डर कि छे को नौ पढ़ रहे हैं एक डिस कैल्कुलिया है जिसमें कैलकुलेशन बच्चे की गड़बड़ हो जाती है जहां मल्टीप्लीकेशन करना है वहां वो एडिशन कर देगा या उलट पुलट हो जाएगा कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो ये मैथ्स में समस्या आती है की डिस्कैलकुलिसग्राफिया हम समझ चुके हैं डिस्लेक्सिया है इसके अलावा एक और है डिसफेजिया

चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर थोड़ा समय देकर के ही हम समझते हैं जल्दी में इतने नहीं है हम नहीं तो एनालिसिस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्वेश्चन नंबर टू देखिए और इसका जवाब पोल में दीजिए फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजअली रैपिड पेस इज नोन एज प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है अच्छा क्वेश्चन था इस बार इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए कई लोगों ने इसमें गलत जवाब दिया हमने आंसर की डिस्कस की थी जिस दिन पेपर हुआ था सेम डे ही कुछ ही घंटों के बाद और तीस के तीस क्वेश्चन ये आप लोगों का प्यार है मेरी थोड़ी बहुत मेहनत है कि एक क्वेश्चन भी आंसर की में इधर से उधर नहीं निकला तीस के तीस क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे जैसे हमने डिस्कस किए थे एज इट इज आंसर्स आंसर की में वही है वो सिंपल है कि जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड ना सही होने पे भी गलती हो जाती है बट इसका हमें ध्यान रखना है पेपर में प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो अपने आप गलतियां कम होंगी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल अभी भी देखिए पचास परसेंट लोग सही जवाब इसका दे पा रहे हैं देखिए गिफ्टेड बच्चे कौन होते हैं प्रतिभावान बच्चे ये तीन प्रकार के होते हैं या तो आपका आई ज्यादा हो तो आप गिफ्टेड कहलाएंगे यानी आपका जो इंटेलिजेंस कोशेंट है बुद्धि लब्धि है कि आपका दिमाग जो है नॉर्मल से ऊपर चलता है आपका आई है एक सौ या अगर हम बात करें एलबर्ट आइंस्टाइन की भैया एक इस तरह की अगर हम बात कर रहे हैं कि आई ज्यादा हो तो आप गिफ्टेड बच्चे कहलाएंगे या प्रतिभाशाली बच्चे कहलाएंगे या फिर आप किसी एक क्षेत्र में बहुत ही टैलेंटेड हो या फिर आप क्रिएटिव हो तो टैलेंटेड गिफ्टेड और तीसरा क्या है आपका इंटेलेक्चुअली ब्राइट जो एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं बच्चे तो ये तीन कैटेगरीज आ जाती हैं गिफ्टेड में टैलेंटेड किसको कहेंगे हम सचिन तेंदुलकर को कहेंगे क्रिएटिव किसको कहेंगे हो सकता है एम एफ हुसैन को कहें भाई जो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं तो अब यहां पे गिफ्टेड जो है इंटेलेक्चुअली ब्राइट की बात हो रही है जिसका आई ज्यादा है अब इस बच्चे को हम रैपिड पेस पे पढ़ाते हैं आपने बचपन में किया होगा शायद मेरे साथ भी हुआ था एक बार मेरे को याद है कि एक साल में दो क्लास करा देते हैं हम क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि बच्चा जो है एक्सेप्शनल है गिफ्टेड है ज्यादा जल्दी सीख जाता है अपनी क्लास के बच्चों के मुकाबले तो ये एक्सिलरेशन प्रोग्राम होता है कि आप एक साल में दो क्लास करा दें या जिस स्पीड पर जिस गति पर बाकी बच्चे चल रहे हैं उससे थोड़ा सा तेज कर दी उसकी गति एक क्लास छुड़वा देना इस तरह की जो चीज़ें हम जनरली सुनते हैं तो ये त्वरण या गतिवर्धन कहते हैं इसको और ये एनरिचमेंट प्रोग्राम्स के अंदर आप कह सकते हो एनरिचमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए कि उनको ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे या उनको और एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें एनरिचमेंट प्रोग्राम्स में होती हैं संवर्धन में जो गिफ्टेड बच्चे के लिए चलाए जाते हैं लेकिन एनरिचमेंट प्रोग्राम एक चीज़ है जिसके अंदर हो सकता है आपका यह एक्सेलरेशन भी शामिल हो जाए लेकिन हमसे पूछा एग्जैक्ट क्या था रैपिड पेस पे यानी स्पीड बढ़ा दिया आपने बच्चे की जो काम एक साल में करना था नॉर्मल बच्चे को ये छह महीने में कर लेगा तो आपने क्लास जंप करा दिया वॉट तो ये एक्सीलरेशन कहलाता है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन तो होता है कि आप अलग अलग बच्चे के हिसाब से उसकी स्पीड को ध्यान में रख रखकर पढ़ा रहे हैं या उसकी नीड्स को ध्यान में पढ़ा रहे हैं इमर्शन मैथड होता है इंग्लिश वगैरह सिखाने के लिए बिल्कुल डुबा देना चारों तरफ का एनवायरमेंट वैसा ही कर देना तो ये आपके काम का नहीं है यहाँ तो एनरिशमेंट ये हो नहीं सकता था क्योंकि एक्सिलरेशन एग्जैक्ट शब्द पूछा हुआ है अगर नहीं होता तब हम इसके बारे में सोचते अगर एक्सिलरेशन नहीं दिया होता तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा ओल्ड में जवाब दीजिएगा टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स यानी वो शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं कल हमने डिस्कस किया था पांच नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन आता है और इस बार क्वेश्चन छे आए हुए हैं इससे ठीक है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है साथ साथ अगर आप भूल गए हैं और आपके दोस्त आसपास तैयारी कर रहे हैं उनको कही नौ बजे लेट्स लर्न पे जुड़े बैच में अगर आप एनरोल कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है अगर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब से भी हम पढ़ ही रहे हैं ना तो कोशिश ये करनी है कि खेल खेल में मजाक मस्ती में पढ़ाई भी होती रहे डेली और एक रूटीन अभी से बन जाए ऐसा ना हो हम पेपर से पंद्रह दिन पहले पागलों की तरह पढ़ रहे हों और पहले से हमारा ध्यान नहीं है फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो हम पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल बनाए जा रहे हैं ठीक है ना चलिए खैर क्रिएट करिकुलम अडेप्टन यानी अगर इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है हर तरह का बच्चा वहां गिफ्टेड बच्चा जो बहुत स्मार्ट है दिमाग से वहां एक क्रिएटिव बच्चा वहां एक डिसेबल्ड uh, बच्चा जिसको कोई दिक्कत है चलने फिरने में या मेंटली uh, स्लो है थोड़ा सा एक बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता हर तरह का बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है तो हम टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स अगर वो टीचर्स जो इंक्लूसिव क्लासरूम में जहां भिन्न भिन्न भिन बच्चे हैं अलग अलग तरह के नॉर्मल बच्चा भी है और स्पेशल बच्चा भी है स्पेशल बच्चा नीड से स्पेशल है मतलब हो सकता है उसको चलने फिरने में दिक्कत हो, हो सकता है उसको कुछ और समस्या हो है ना जो नॉर्मल से अलग है तो क्रिएट करिकुलम अडेप्टेशन यानी पाठ्यचर्या में अनुकूलन करना चेंजेस करना आपके करिकुलम में बिल्कुल सही बात है कि उन बच्चों के साथ भी हर एक बच्चा उसमें इंक्लूड हो पाए इस तरह के चैप्टर्स या करिकुलम में जो एक्टिविटीज हूँ सबको इंक्लूड कर पाए बात तो सही है पॉजिटिव बात है बच्चे के हित में है भाई हमें ये देखना है बच्चे के हित में क्या है वही आंसर सही होता है हमारे लिए वही ऑप्शन सही होता है इनकॉर्पोरेट डाइवर्स परस्पेक्टिव यानी विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना है ये अलग अलग विचारधाराओं को भी हम शामिल कर पाए ठीक है ये भी बच्चे के हित में ही है पॉजिटिव है एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस टीचर्स को अपने अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए कई बार हमें क्योंकि टीचर क्या इंसान ही है हमें खुद नहीं पता होता हम किस जाति संप्रदाय समूह के प्रति ज्यादा झुके हुए हैं और अगर हम बहुत ज्यादा झुके हुए होंगे तो हम शायद क्लासरूम में भी वो व्यवहार ले आए कि हमारी मनपसंद जाति या धर्म के बच्चे को हम कहें तुम बहुत प्यारे हो और या उसका रंग हमें पसंद हो तो हम कहें तुम बहुत प्यारे हो बाकी बच्चों को हम पसंद ना करें तो ये चीज नहीं होनी चाहिए टीचर्स के अंदर इम्प्लिसिट मतलब जो अंतर्निहित हैं जो हमें कई बार पता नहीं होता है एक्सप्लिसिट वो होते हैं जो दिख जाते हैं या हम अवेयर होते हैं जिनको लेकर के तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए तभी आप बच्चों के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे ये बात भी सही है अन्याय नहीं होगा सी डायवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल यानी टीचर्स को डायवर्सिटी को विभिन्नता को कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे क्लासरूम में इस चीज को एक अड़चन की तरह देखना चाहिए ऑब्स्टेकल की तरह देखना चाहिए ये बात गलत हो जाएगी ये बच्चे के हित में बिल्कुल भी नहीं है फिर तो आप कहेंगे सबको एक जैसा बना दो रोबोट्स बना दो तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है जो कि सिक्सटी लोग सही जवाब दे भी रहे हैं उत्तर क्या है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर क्या है फोर देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है मतलब अच्छा तो क्या है है हर बार पूछा जाता है, बस जैसे ही दो दो ब्लैंक लगा आप सारे क्वेश्चंस को ज्यादातर लोग गलती करना शुरू कर देते हैं क्योंकि दो जगह पे फिलिंदा ब्लैंक लगा हुआ है हमें हम क्या करते हैं यहां पे ये वाला कर देंगे यहां पे ये वाला कर देंगे उल्टा कर देते हैं वाइल्ड डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमेंटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड यानी शैशवावस्था जिसको हम क्या कहते हैं इनफेंसी कह रहे हैं यहां पे जन्म से दो वर्ष की बात हो रही है ठीक शैशवावस्था में सामाजिककरण की डैश संस्थाएं कौन सी संस्थाएं है होती हैं शैशवावस्था में घर में ही रहेगा शुरू के दो साल तो बच्चा प्रीमायरली घर में रहता है अपने मां बाप के पास और वहां परिवार से क्या होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन

पड़ोसियों के साथ खेलेगा जब बच्चा रिश्तेदारों से मिल रहा होगा बात करना आ जाएगा उसको लैंग्वेज आ जाएगी तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाता है परिवार के बाद वाला सोशलाइजेशन तो ये गौड़ वाहक है जो सामाजिकरण की संस्था है वो गौड़ संस्था है जिसकी बात हम कहाँ करेंगे प्रारंभिक बाल्यवस्था में करेंगे जब बच्चा आसपास के माहौल से भी सीख रहा है जबकि जो शुरुआत में शैशवावस्था का है वो प्राथमिक सामाजिकरण है जन्म से दो वर्ष जब परिवार से होता है प्राथमिक सामाजिकरण सेकेंडरी में बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी सिंपल आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन एट्टी फाइव परसेंट लोग सही जवाब इसमें दे पा रहे हैं बहुत खुशी की बात है अब इस तरह के क्वेश्चन की अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टॉपिक सिलेबस थोड़ी चेंज हुआ है लेकिन हम पढ़ के नहीं समझ पाएंगे गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फाइव देखेगा अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की वाइगॉस्की के अनुसार पढ़िए जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा इतने में पानी पीती हूँ आप जवाब दीजिए सर्दियाँ आ रही मौसम बढ़िया है अभी पढ़ाई करो मस्त कह ट्वेंटी 25 मिनट्स तक वेट किया आपके इंतजार में इतना लेट तो हम हुए ही नहीं सात आठ मिनट बाद क्लास शुरू हो गई थी नौ बजे का टाइम था और सात आठ मिनट बाद ही क्लास शुरू हो गई थी बैच में तो आपने वेट कहाँ किया है? कहीं और तो नहीं करने लग गए थे वेट किसी और एप्लीकेशन पे यूट्यूब छोड़ के करियर विल छोड़ के कभी कहीं और चले गए हों अलग अलग तरह के एप्स हैं आजकल वहाँ स्नैपचैट इंस्टाग्राम इन सब पे तो वेट नहीं कर रहे थे <laughs> या और भी खतरनाक हैं देखिए एक बार फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 28% एट लोग मतलब इसमें आप लोग कंफ्यूज हैं अकॉर्डिंग टू लेव है लेव वाइगॉस्ट के अनुसार सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉगनेटिव डेवलपमेंट यानी सामाजिक कारक जो होते हैं कि हम लोगों से मिलते जुलते हैं बातचीत करते हैं ये वाले जो कारक हैं वो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं अच्छा मतलब लैंग्वेज तो बेहतर होगी लेकिन दिमाग बेहतर नहीं होगा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि की क्या कह रहे है? तीन चीजें जो हमारे को। काम दिमाग से होगा चाहे वो सोचना हो समझना हो तर्क करना हो कल्पना करना हो यानी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट का मतलब है आप जैसे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे यानी थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेजिनेशन मेमोरी जो भी काम दिमाग से होते हैं वो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट में आते हैं कि आपका दिमाग का डेवलपमेंट सिंपल भाषा में तो वाइगॉस कहते हैं सोसाइटी यानी सोशल फैक्टर्स समाज के साथ जब हम इंटरैक्ट करते हैं दादी नानी से कहानियां सुनते हैं आ, आपका कल्चर यानी जो हमारी सांस्कृतिक इवन जो कहानियां हैं जो हम रामायण पढ़ रहे हैं महाभारत पढ़ रहे हैं कुछ और जो भी हमारे कल्चर में चीजें चलती हैं जिस तरह से हम त्यौहार मना रहे हैं तो सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज यानी भाषा ये तीन टूल हैं थ्री इंपॉर्टेंट टूल्स हैं यंत्र हैं या भाषा को सबसे बड़ा यंत्र कहा गया है संज्ञानात्मक विकास के प्रोसेस में तो एससीएल बीपीएल कार्ड होता है ना उस तरह से एस सी एल है यहां पे सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज तो ऐसा नहीं हो सकता कि लैंग्वेज सोशल फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को बट संज्ञान नहीं डेवलप हो रहा जबकि जहां सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज की बात हो रही है तो तीनों डेवलप हो रही होंगे अपने आप ही संज्ञानात्मक विकास डेवलप हो रहा होगा भाई व्यक्ति जब सोशल फैक्टर्स की अगर हम बात करें जब समाज में बैठेगा भाषा सीखेगा तो क्या उसका दिमाग की वृद्धि नहीं होगी क्या उसका संज्ञान की वृद्धि नहीं होगी जब वो क्वेश्चन आंसर करेगा चार लोगों से बातचीत करेगा होगी गलत हो गई ये बात टिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट उल्टा है क्या है उल्टा है यह बात प्याजे के पक्ष में तो सही है वो कह रहे हैं डेवलपमेंट से लर्निंग हो रही है जबकि यहां पे वाइगोस्की क्या कहते हैं ये बात हमने कितनी बार डिस्कस किया अगर लास्ट ईयर आप लोग जुड़े होंगे लर्निंग से डेवलपमेंट होता है यानी लैंग्वेज है संज्ञानात्मक विकास में यानी भाषा से आप अपनी समझ को विकसित करते हैं अगर हम किताबें ना पढ़ें अगर आज के समय में हम देखें रेडियो सुनते थे पहले लोग आ, पहले लोग कथाएं सुनते थे आज भी सुनते ही होंगे कुछ हद तक अगर हम बात करें आज के समय में पॉडकास्ट एक जरिया है इंटरव्यूज लोग देते हैं देखते हैं पढ़ते हैं किताबें ये सब क्या है ये लैंग्वेज से ही तो हमारी समझ विकसित हो रही है तो ऐसा थोड़ी है कि कॉपरेटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बल्कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से हमारी समझ विकसित हो रही है वैगॉस तो यही कहते हैं तो ये बात तो गलत हो गई लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्नेटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर ये कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है और कई लोग इसे गलत पढ़ा भी देते हैं कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं बिल्कुल भी नहीं के केस में तो बिल्कुल भी नहीं कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं लैंग्वेज अलग है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट अलग है नहीं वो थॉट और लैंग्वेज की बात है कि विचार और भाषा और वो भी कुछ हद तक कुछ समय तक बाद में जाकर के वो भी मिल जाते हैं वाइगॉस्की के अनुसार तो ये दो बातों को आपको यहां पे थॉट और लैंग्वेज को कॉग्नेटिव और लैंग्वेज से नहीं जोड़ देना है तो एक ही ऑप्शन सही बचता है लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉगनेटिव डेवलपमेंट कितने लोग जवाब दे पाए हैं इसका कोई भी नहीं दे पाया उनतीस परसेंट लोग अभी भी बी कह रहे हैं सिर्फ बीस परसेंट लोग फोर्थ ऑप्शन पे अब या तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके जो है उन्होंने जवाब दे दिया होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्नेटिव डेवलपमेंट भाषा विकास जैसे जैसे आपकी भाषा का विकास होता है जैसे जैसे आप पढ़ के समझने लगते हैं आपकी समझ भी विकसित होती है है ना तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है कि हम चीजों को बेहतर समझ पाए बेहतर तर्क कर पाए बेहतर थिंकिंग कर पाए ये सब चीजें बेहतर होती हैं जब हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर होगा तो जैसे जैसे हम स्कूल में जा रहे हैं क्या हो रहा है बिना लैंग्वेज के कैसे सीखेंगे तो लैंग्वेज डेवलपमेंट से कॉग्नेटिव डेवलपमेंट यानी हमारी समझ भी विकसित होती है भाषा विकास से और लैंग्वेज क्या है एक बड़ा टूल है सोसाइटी ये जो शुरुआत में हमने बात की थी सोसाइटी कल्चर यानी जो लोगों से हम मिलते जुलते हैं कल्चर जिस कल्चर में हम रहते हैं लैंग्वेज और इवन लैंग्वेज के बिना हम कल्चर और सोसाइटी में उतना अच्छा नहीं इंटरेक्ट कर पाएंगे तो लैंग्वेज जैस जैसे जैसे डेवलप होगी दिमाग भी अच्छा डेवलप होगा इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ देखिएगा जल्दीबाजी नहीं करनी है जल्दी करनी है जल्दीबाजी नहीं है और अभी तो जल्दी भी नहीं करनी क्योंकि शुरुआत है ये जल्दी करने को भी मैं आपसे जब कहूंगी जब आप एक आध महीने पढ़ चुके होंगे कि भाई अब हमारा बैच में भी अगर हम चैप्टर काफी हद तक आधा सिलेबस कर चुके हैं अब वट उस समय मैं आपसे कहूंगी कि अब आप जल्दी सॉल्व करिए अभी तो आपका समझने पर फोकस होना चाहिए और ये क्वेश्चन इसलिए ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा सेंटर में आ जाए यानी एक तरह से आप अवेयर हो हवा में ना रहे पता हो कि पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन ठीक है ना एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोलबर्क मॉरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज यानी लॉरेंस कोलबग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए यानी जो लॉरेंस कोलबग का क्या है नैतिक विकास का सिद्धांत है मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी है कल ही हम बात कर रहे थे कि दो क्वेश्चन कोलबग पे हैं तीन तीन क्वेश्चन प्याजे और वाइगॉस पे हैं टोटल मिलाकर के तीन थियोरीज से आठ क्वेश्चन हैं जो इस बार पूछे गए हैं तो मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास नैतिक विकास क्या होता है सही और गलत क्या है झूठ बोलना गलत है सच बोलना सही है ये क्या है मॉरल डेवलपमेंट का पार्ट है उससे ही हम सीख पाते हैं अब मॉरल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं नैतिक विकास की बात कर रहे हैं तो किस स्तर पर कोहलबाग ने कितने स्तर दिए हैं भाई छह स्तर दिए हैं और तीन जो है वो लेवल दिए हैं अगर मैं कहूं जो चरण है वो छह है और स्तर तीन है ये कह लीजिए आप है ना तो स्तर तीन यानी लेवल्स जो हैं वो तीन हैं हर एक लेवल पे दो स्टेजेस हैं स्टेजेस हैं टोटल सिक्स ठीक ये बेसिक बात है तीन दुनिया दुना छह यानी थ्री टू जा सिक्स यानी हर एक लेवल पे टू टू आपकी स्टेजेस हैं इतनी बात क्लियर है तो अगर हम यहां देखें पूछा क्या हमसे लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर यानी किस लेवल पर आमतौर पर लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर पे खड़ा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए भैया गुड व्यवहार करो गुड बिहेवियर गुड बॉय नाइस गर्ल ताकि समाज आपको अच्छा कहे सही से पेश आओ सबके साथ क्या है कन्वेंशनल जो समाज के अनुसार चलता है जिसमें समाज को आप ध्यान में रखते हैं कन्वेंशनल का मतलब ये के हिसाब से के हिसाब से चलना गुड बॉय नाइस गर्ल जो थर्ड स्टेज है वो यही आती है इसी लेवल की पहली स्टेज वो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कन्वेंशनल लेवल ठीक है ना आगे बढ़े तो इसमें तीन स्टेजेस होती है एक प्री कन्वेंशनल होती है जब बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता सही गलत से वो अपना दंड से बचना चाहेगा उसको फायदा क्या मिल रहा है इसलिए काम करेगा कन्वेंशनल होती है समाज में अच्छा दिखने के लिए अच्छा बर्ताव करेगा पोस्ट कन्वेंशनल होती है जो इसमें दी नहीं हुई वो होती है वो अपने नियम बनाएगा सही और गलत के चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर क्वेश्चन नंबर जिस क्वेश्चन को देखकर कई लोग डर जाते हैं अजर्शन यानी एक स्टेटमेंट है एक अभिकथन है और एक दिया हुआ है इसका रीजन यानी तर्क रीजन यानी तर्क या कारण अब आपको देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या ये तर्क सही है क्या दोनों सही है एक दूसरे के लिए है ना तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की तो स्टेटमेंट क्या है इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज टीचर्स एंड पीयर्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स यानी शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोग मोर नॉलेजेबल अदर जो लोग टीचर्स हैं जैसे या फिर ज्यादा जानते हैं आपसे आपके भाई बहन आपके दोस्त हो सकते हैं कि भाई आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है और आप मान लीजिए सीडीपी में आपको दिक्कत है तो मैं आपके लिए सीडीपी में क्या हो गई मोर नॉलेजेबल अदर हो गई यानी आपसे उस विषय में शायद ज्यादा जानती हूं ठीक है बात तो या तो टीचर्स होते हैं इस केस में या फिर आपका कोई दोस्त भाई बहन भी हो सकता है छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो सकता है एज मैटर नहीं करेगी पेरेंट्स हो सकते हैं आपके उनको मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं एम के ओ यानी ज्यादा जानने वाला अन्य के साथ बातचीत करना शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद के लिए आवश्यक है जिससे मार्गदर्शन प्राप्त होगा अगर कोई आपसे ज्यादा जानता होगा उससे आप सीख जाएंगे बात तो सही है किसकी बात है ये वाई की कहते हैं ये बात एम के ओ का जो कॉन्सेप्ट है ट्रू है अब इसका रीजन क्या दिया है तर्क क्या दिया है क्यों सही है तर्क है सोशल इंटरेक्शन इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट यानी जो सोशल इंटरेक्शन है ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं ये जो आप आपस में बात करते हैं या क्लासरूम में जब चर्चाएं होती हैं तो ये सोशल इंटरेक्शन हुआ या जब गली मोहल्ले में चार लोग बात कर रहे हैं क्या सोशल इंटरेक्शन है सामाजिक अंत क्रिया है अन्योन्य क्रिया है सोशल इंटरेक्शन इज अ की कॉम्पोनेट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये सोशल इंटरेक्शन जब हम घुलते मिलते हैं बात करते हैं चार लोगों से जानते हैं तो क्या होता है हमारे विकास और सीखने में ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इसलिए मोर नॉलेजेबल अदर हमें अच्छा सिखा सकता है क्यों क्योंकि सोशल इंटरेक्शन हमें हेल्प करता है सीखने में दोनों बातें सही है ये बात सही है कि एम के सीख सकते हैं रीजन बता दिया कि सोशल इंटरेक्शन से बेटर सीखते हैं तो दोनों सही है तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो बात यहां कही गई थी उसी बात को रीजन यहां दिया गया है तब तो ठीक है अगर रीजन ना दिया होता तो हम कह देते भाई ये दोनों बातें अपने आप में तो सही है बट इसका रीजन सही नहीं है क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा वॉट इज मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है देखिएगा जनरली हम तीन तरह के असेसमेंट पढ़ते हैं पहले आप जवाब दे दीजिए और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन सा सही है और क्यों सही है इसमें से कम से कम चार पांच क्वेश्चन आपको लगेंगे कि हाँ ये अच्छे तरीके से पूछे गए सिलेबस से तो सब कुछ ही है हाँ देखिए दिव्या जो लोग नए हैं थियोरी पढ़ाई जाएंगी बैच में आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा आई थिंक दिवाली के बाद होगा और थियोरी हम पढ़ेंगे अभी ये जस्ट एक आ, आपकी आंखें थोड़ी सी खोलने के लिए है कि पेपर कैसा आया था इस बार ठीक है ना ये आप दोबारा आकर के देखिएगा जब आप कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हों जिनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है कोई कह रहा है कि आप इंग्लिश का ज़्यादा ध्यान ना देखें हिंदी भी ध्यान दें आपसे रिक्वेस्ट है साहित्य विद तिवारी कह रहे हैं तिवारी जी बात तो आपकी सही है लेकिन बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनको कोई अच्छे से इंग्लिश में भी बताने वाला नहीं है तो कोशिश रहती है बाई चलें इतनी बेसिक इंग्लिश हमें आनी चाहिए

यहाँ पे फॉर लर्निंग के बारे में पूछा है टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स अगेन सेम बात हो गई कि वैसे तो ये किसी भी आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आप क्या करें बच्चे को लेबल करें परफॉर्मेंस का पता लगाना है फर्स्ट आया सेकेंड आया तो फिर ऑफ रहेगा है ना उसको तो हटा ही देना वो ऑफ में भी नहीं होना चाहिए कायदे में तो जो फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि आप बच्चे पे ठप्पा लगा रहे हो स्लो लर्नर और फास्ट का टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव देयर लर्निंग यस फॉर लर्निंग का मतलब है अभी सीखना बाकी है सीखने के लिए आकलन यानी आपका टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है जो आप अभी पोल में बता रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन होगा सेवेंटी लोग जवाब दे रहे हैं क्या इससे आपका रिजल्ट बन जाएगा क्या आप इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएंगे आज के सेशन से नहीं अभी तो हो सकता है कई लोगों ने चैप्टर्स भी ना पढ़े हो तो यहां पे मतलब क्या है कि ये आपको फीडबैक के लिए है कि आपको इंप्रूव करने की अभी जरूरत है लर्निंग को तो ये फॉर लर्निंग है ये जो आकलन है पोल में जो आप जवाब दे रहे हैं वो इसलिए है कि अभी लर्निंग हो सके बेहतर इंप्रूव हो सके नंबर पे नहीं है कि कितने सही हो कितने गलत वो पेपर के टाइम पे होगा कि कितने सही हो रहे हैं वो जांचने के लिए टू तो कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस तो टू ए स्टैंडर्ड और बेंच मार्क ये भी गलत तरीका है है ना या हम कहें कि फॉर लर्निंग में नहीं आएगा ऑफ लर्निंग में ही आएगा कि इतने परसेंट आने चाहिए थे क्या आए जैसे बेंचमार्क क्या है सीटेट का बेंचमार्क है 60 परसेंट मार्क्स लाने हैं तब जाके क्रैक कर पाएंगे तो उसकी बात नहीं हो रही है असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग एज लर्निंग इन तीनों पर भी चर्चा करेंगे मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा लर्निंग होता है जो अभी हमने बात की कि आगे इंप्रूवमेंट के लिए ऑफ लर्निंग होता है कितना आता है आपको परफॉर्मेंस कितने परसेंट आप अचीव कर पाए और एज लर्निंग होता है सीखने के साथ या बच्चा खुद का जब सेल्फ असेसमेंट करे या उसके दोस्त उसका सेल्फ असेसमेंट मतलब असेसमेंट करें एक दूसरे का आपस में तो वो पीयर असेसमेंट या एज लर्निंग कहा जाता है चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन को एट विच एज कैन चिल्ड्रन एंगेज इन वर्ड प्ले एंड लाइक जोक्स एंड रिडल्स दैट इन्वॉल्व अ प्ले ऑन वर्ड्स

समझ पाते हैं पहेलियों को वर्ड प्ले शब्दों से खेल पाते हैं किस उम्र में तो सही उत्तर इसका सात साल है भाई ये शुरुआत जो हो जाती है एंगेज करने की वो तीन चार साल के आसपास ही हो जाती है लेकिन अगर प्रॉपरली हम बात कर रहे हैं तो वो होगा कि इन्वॉल्व हो पा रहे हैं प्रॉपरली तो सेवन ईयर्स सात साल जब आपकी साइलेंट इनर स्पीच भी डेवलप हो जाती है यानी अब आप सोशल स्पीच भी है आपके अंदर आप मन में भी बात कर पाते हैं और आप समाज में भी बात कर पाते हैं आप खुद से भी बात कर पाते हैं तो तीनों चीजों को आप समझ पाते हैं कि कौन किस इंटेंशन से कह रहा है तो आप अगर बाइक से भी जोड़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा साथ साथ क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा कैरल ग्लिगन क्रिटिक्ड कोहलबर्ग थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी कैरल ग्लिगन ने कोहलबर्ग के, के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जिसमें हमने गुड बॉय नाइस गर्ल की बात की थी इनको क्रिटिसाइज किया लगभग हर थ्योरी का क्रिटिसिज्म होता ही है कैरल ग्लिगन इन्हीं की स्टूडेंट थी और इन्होंने क्रिटिसाइज किया इस थियोरी को कि जेंडर बायस थियोरी है इसमें फीमेल्स के परस्पेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा गया। जितने भी थे, बनाते से, सारे मेल थे। फीमेल्स परस्पेक्टिव से इसको क्रिटिसाइज किया गया सिंपल जवाब इसका यही है बाकी कुछ और नहीं है जेनेटिक फैक्टर ये सब यहाँ आते भी नहीं है तो बी ऑप्शन नारीवादी दृष्टिकोण से कैरल ग्लिगन जो कि एक महिला है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है अभी भी है ना

पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या चिंतन कौन सी एज में होगा दो से सात वर्ष क्योंकि प्याजे की चार स्टेजेस है एस पी सी एफ ये हमारा शॉर्टकट है फंडा है है ना ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स या निमोनिक्स आपको मैंने बताए हुए हैं बताऊंगी भी बैच में सेंसरी मोटर होता है इंद्रिया गामक जन्म से दो वर्ष पूरी ऑपरेशनल जिसकी यहां बात हो रही है पूर्व संक्रियात्मक की ये होता है दो से सात वर्ष

पूर्व संक्रियात्मक दो से सात वर्ष में कौन सा चिंतन आएगा आपको पता ईगो सेंटर होता है बच्चा कुछ हद तक यानी खुद पे ही सेंटर में रखता है खुद को ही वो तो इज डैश प्याजेस टू देंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन यानी बच्चे का जो ध्यान है वो पूरा एक पॉइंट पे ही है यानी जब वो इस मग को देखेगा तो सिर्फ इसके कलर पे ही ध्यान है ये नहीं कि इस पर लिखा किस फॉन्ट में गया है इसकी और क्या विशेषता है इसकी शेप कैसी है नहीं उसका ध्यान है सिर्फ इसके रंग पे तो वो चीजों के सिर्फ एक पहलू पे ध्यान देता है ठीक है ना तो इसको सेंट्रेशन कहते हैं कि उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पे सेंटर्ड है या कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है क्योंकि वो सारे पहलू नहीं देख पाएगा एक सिचुएशन के फिर इसको जब थियरी आएगी तो और अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सेंट्रेशन का गुण है या अवगुण कह सकते हो सीमा है लिमिटेशन है ये इस की मतलब इस स्टेज की क्वेश्चन नंबर देखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत लोग घबराए इस बार ये कहता है इन अर्ली चाइल्डहुड यानी दो से छे वर्ष अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था अवस्था दो से छे वर्ष ग्रोथ जिसका मतलब है वृद्धि वृद्धि क्या होती है शारीरिक होती है आपके शरीर का आपकी हाइट का वेट का इन सब का बढ़ना क्या है वृद्धि कहलाता है तो वृद्धि डैश और सोच डैश है प्रारंभिक बाल्यावस्था में दो से छह वर्ष में तो आपको पता है सोच कैसी होती है दो से छ वर्ष में प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है है ना अक्रम कैसी होती है सोच ईगो सेंट्रिक होती है अहम केंद्रित बच्चा खुद को सेंटर में रखता है पिताजी ऑफिस से आए आज नौकरी से निकाल दिया गया भगवान ना करे ऐसा हो बट हो गया अब वो खुद बहुत दुखी है लेकिन बच्चा कह रहा है सुबह कहा था चॉकलेट लाने को लाए क्यों नहीं हो वो इस बात पर रोने में लगा हुआ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मूड है तो बेसिकली वो खुद को सेंटर में रखता है हर चीज के लिए सोच क्या होती है दो से छह वर्ष में प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्रारंभिक बाल्यवस्था में क्या अहम केंद्रित होती है यानी खुद को केंद्र में रखता है बच्चा है ना कोई चीज उसको क्यों नहीं मिली कम रह गई ज्यादा रह गई कोई बात थी कुछ नहीं सोच क्या होती है अहम केंद्रित तो ग्रोथ डैश चलो हमने मान लिया हमें नहीं पता क्या है ग्रोथ बट हमें पता है थिंकिंग इज ईगो सेंट्रिक ये बात तो हमें पता है ऑप्शंस में से भी चूज कर सकते हो वाइल इन मिडिल चाइल्डहुड मिडिल चाइल्डहुड जहां लिखा हो समझ जाओ छह से ग्यारह की बात हो रही है लेटर चाइल्डहुड की ही बात हो रही है ये स्टेजेस हैं चाइल्डहुड की आगे जाके पढ़ेंगे जो लोग नए जुड़े हैं ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश तो आपको पता है मिडिल चाइल्डहुड में अब हम हमारे पास यहां बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है हमें पता है इन्फेंसी में तेज होती है ग्रोथ इन्फेंसी में क्या है तेज होती है लेकिन क्या प्रीटल स्टेज से तेज होती है नहीं इन्फेंसी में तेज होगी अर्ली चाइल्डहुड में उससे कम होगी मिडिल चाइल्डहुड में उससे कम होगी और अडोल्टेंस में अचानक से बढ़ जाएगी है ना अर्ली चाइल्डहुड में भी तेज होती है लेकिन इन्फेंसी के मुकाबले नहीं तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या दिए हुए हैं तो एक तो जहां जहां ईगो सेंटर लिखा है सेकेंड ऑप्शन में वो चूज कर लो समॉट ईगो सेंटर होती है थिंकिंग ये कह रहे सम वॉट लॉजिकल होती है दो से छह वर्ष का बच्चा कहां से लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए है ना ये तरीका है पेपर सॉल्व करने का भाई जो दो ऑप्शन फिट ही नहीं हो रहे उनको साइड कर दो जरूरी थोड़ी सारी बातों का जवाब आप आपको पहले से आता होगा निकाल लेंगे तो सम वॉट ईगो सेंटर क्या यहां भी और यहां भी अब देखना है कि इन अर्ली चाइल्डहुड क्या ग्रोथ क्या है स्लो होती है नहीं तेज ही होती है बल्कि हमने जो पढ़ा है लेकिन ये कह रहे हैं या तो स्लो होगी या स्टडी होगी तेज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आपको इसमें से बेहतर चूज कर लेना चलो भाई स्टडी मान लेते हैं कुछ हद तक स्थिर होती है धीमी कहना तो गलत बात होगी इस स्टेज में ठीक है वाइल्ड इन मिडिल चाइल्डहुड ग्रोथ एंड थिंकिंग इज डैश तो ग्रोथ कैसी होती है मिडिल चाइल्डहुड में स्लो हो जाती है ये बात हमें पता है कि बच्चे की हड्डियों में मजबूती ज्यादा आने लगती है लेटर चाइल्डहुड में बजाय कि उसकी हाइट अचानक से बढ़ती कब है अटोल में जब वो ग्यारह बारह पार कर जाए तो हम कहेंगे कि जो स्लो हो जाती है कहां पर अर्ली मिडिल चाइल्डहुड में जो ग्रोथ है यानी उसकी हाइट और वेट का जो बढ़ना है और थिंकिंग उसकी लॉजिकल हो जाती है क्योंकि आपको पता है लॉजिक जो है सात से ग्यारह वर्ष में आ जाता है ये सारी थियरीज एक साथ लगानी है यहाँ पे याजिका तर्क भी आपको पता होना चाहिए कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ऐसा होता है तो स्लो नहीं कह सकते हम क्योंकि स्लो कहेंगे तो फिर अर्ली चाइल्डहुड में ही अगर स्लो हो गई तो मिडिल चाइल्डहुड में क्या होगी फिर ग्रोथ है ना तो कंपेरेटिवली देखा जाता है कि, कि किससे कम और किससे ज्यादा तो स्तर है कुछ हद तक आत्म केंद्रित होगी चिंतन और धीमी हो जाएगी मिडिल uh, चाइल्डहुड में और तार्किक सोच हो जाएगी तो ये जोड़ करके इस तरह से इसके जवाब तक पहुंचना है बाकी ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे स्टेजेस में तो आपको बेटर तरीके से क्लियर होंगी अभी टेंशन मत लीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटरस के लिए क्वेश्चन हर बार आता ही है गर्लफ्रेंड से याद कराया हुआ है जी एफ जिसको हम कहते हैं आजकल पॉपुलर शब्द है तो गर्लफ्रेंड का मतलब यहाँ आपकी जी एफ का मतलब यहाँ गर्लफ्रेंड से नहीं है यहाँ जीएफ का मतलब है ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी बड़े मांसपेशियों के जो कौशल है दौड़ना भागना उछलना कूदना और एफ से मतलब है फाइन मोटर स्किल्स लिखना ड्राइंग करना पेंटिंग करना है ना तो ये फिजिकल डेवलपमेंट में आता है ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर पहले स्थूल गतिक कौशल विकसित होते हैं स्थूल स्थूलगतिक क्या है जिसमें बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो आपके हाथों की मसल आई I मीन mean, आपके आर्म्स की मसल आपके लेग्स की मसल ठीक आप सही जवाब दे रहे हैं स्विमिंग स्विमिंग क्या है ग्रॉस मोटर स्किल है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं देखो स्विमिंग में ऐसा नहीं है आपकी आंखों का प्रयोग नहीं हो रहा कि आपकी आंखों की मसल यूज नहीं हो रही बट बिना ज्यादा काम किसका है ज्यादा काम है आपके हाथ और पैरों का आपकी टांगों का और आपके किसका इन आर्म्स का बाहों का ठीक है ना तो अगर हम बात करें तो तैरना क्या है ग्रॉस मोटर स्किल है वहीं अगर निटिंग देखें बुनाई देखें तो आप कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हो अगर आपकी आई साइड और आपकी आंखों का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो आप बुनाई नहीं कर पाएंगे तो ये तो ये फाइन मोटर यानी सूक्ष्म गतिक कौशल हो गया ठीक एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना यार करना है आपको एक सर्कल को तो ये भी फाइन मोटर स्किल है यानी सूक्ष्म गतिक कौशल है कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ अ बिग रेक्टेंगल ऑन अ पेपर अगेन कट करने की बात हो रही है तो जब आपकी हाथों की यानी उंगलियों की मसल्स यानी हाथों की मसल्स बाहों की नहीं हाथों की मसल्स और आपकी आंखों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन हो लिखना पढ़ना बुनाई इन सब में फाइन मोटर यानी सूक्ष्म गतिक कौशल स्थूल गतिक कौशल होगा जंप करना रन करना स्विमिंग करना ठीक है ना तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन था फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भौतिक वृद्धि या शारीरिक वृद्धि की अगर हम बात करें और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करता है कैसे सिद्धांत पहला है इंटीग्रेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ये दोनों साथ चलते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को साथ लेके चलते हैं हम जनरली तो ये अलग अलग नहीं जाएंगे यहां पर सेफेलोकॉर्डल टॉप डाउन प्रोक्सीमोडिस्टल इनर टू आउटर इन्होंने कह दिया प्रोक्सीमो डिस्टल पहले आएगा सेफेलो बाद में आएगा उल्टा हो गया डिफरेंशिएशन एन इंटीग्रेशन ये अगेन इन्होंने उल्टी बात कर दी कोई सेंस नहीं है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या होता है बेसिकली अपने आप में एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है इस पर कई बार हम ये इमोशंस में भी यूज होता है जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरे अपने जितने भी फिजिकल डेवलपमेंट के चाहे वो आपकी आंखों का विकास हो चाहे आपकी शरीर का बाकी विकास हो तो आप कोऑर्डिनेट करते हैं डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कहाँ छोड़ना है कहाँ मारना है और इंटीग्रेट भी करते हैं ठीक है ना तो वो एक अलग चीज़ होगी यहाँ पर सिंपल बात सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सीमो डिस्टल की हो रही है ठीक है ना बहुत बढ़िया चौधरी तो अगर हम बात करें यहां पर सेफेलोकॉडल्ट सेफेलो कॉडल सेफेलो क्या सेफेल का मतलब है खोपड़ी शीर्षगामी यानी आपके सर से पैर की ओर विकास का जाना यानी बच्चा पहले सर संभालना सीखता है बाद में धड़ संभालना सीखता है यानी पहले उसका सर पे कंट्रोल आएगा पहले देखते हैं छोटा सा बच्चा होगा अगर आपको पता है उसकी गर्दन इधर उधर जाती रहती है फिर धीरे धीरे कंट्रोल आएगा गर्दन पे फिर वो बैठना शुरू करता है यानी इस पोर्शन पे फिर वो खड़े होना शुरू करेगा यानी सर से पैर की ओर कंट्रोल जा रहा है यह है शीर्षगामी या सेफेलो समीपस्थ दूरस्थ जिसको हम कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल ये दो दिशाएं हैं विकास की हम पढ़ेंगे अभी आने वाले सेशन में से। तो प्रोक्सीमोडिस्टल क्या है कि आपके सेंटर से पेरिफेरी की ओर कि बच्चा पहले अपने कंधे संभालना सीखेगा फिर हाथ और फिर बाद में पेन पकड़ना सीखेगा तो आपको पता है बच्चा पहले सर संभालना सीखता है अपनी गर्दन संभालना सीखता है बाद में पेन पकड़ना सीखेगा तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि सेफेलो कॉडल से प्रोक्सीमोडिस्टल की तरफ जाएंगे पहले गर्दन संभालना सीखेगा बाद में जाकर के पेन संभालेगा ना भाई यहां पे कंट्रोल जो है ग्लास पकड़ना बाद में सीखेगा

खुद को समझेगा अच्छे से जो विचारों पे अपने अंदर में ज्यादा फोकस होगा ना कि बाहर की दुनिया पे तो ये इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होती है इनमें इंटर नहीं इंटर होता है लोगों को समझना एक पॉलिटिशियन में इंटरपर्सनल हो सकती है एक टीचर में इंटरपर्सनल हो सकती है लेकिन फिलासफर में क्या पाई जाएगी इंट्रापर्सनल स्वयं को जानना और जो स्कल्पचर है या मूर्तिकार है उसमें होती है कौन सी स्पेशल इंटेलिजेंस यानी वो उसको दिशा का ज्ञान होता है अगर नाक आपकी थोड़ी सी भी इधर उधर बना दी कई लोग हमें जो है देना एक बार ये उठा करके जो स्केच रखा हुआ है तो कई लोग जो हैं हमारे सामने दो गिफ्ट्स रखे हैं तो अभी हम आपको दिखाई देते हैं वो भी दिखा दो मधुबनी भी तो अगर हम बात करें तो ये हमें किसी ने गिफ्ट की हुई है हमारे लर्नर्स ने गिफ्ट की हुई है मनीष कुमार है ना इनका चैनल भी है एक मनीष कुमार आर्ट के नाम से तो ये हमारे एक लर्नर है उन्होंने उन्होंने गिफ्ट किया हुआ है ये अभी लूंगी लूँगी स्केच तो ये कुछ कुछ ये मेरा ही फोटो है काफ़ी हद तक मैच कर रहा है इसका मतलब इनमें वो स्कल्चर वाला इंटेलिजेंस होगा स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं तो ये मेरी आंख दूसरी तरह की भी बना सकते थे कि आप पहचान नहीं पाते अभी आप पहचान पा रहे होंगे ना कि ये मेरा ही स्केच है इसका मतलब मनीष में क्या होगी स्पेशल इंटेलिजेंस होगी कुछ हद तक अगर हम बात करेंगे देना एक बार अगर हम बात करें इसी तरह से जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई होगी अभी हमारे एक लर्नर आए थे कल आप इंटरव्यू देखेंगे उनका मधुबनी से ही आए थे अभी आप मधुबनी पढ़ेंगे सीटेट में मधुबनी का बहुत जिक्र है ईवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये मधुबनी पेंटिंग वो लेकर के आए थे उन्होंने अपने रिलेटिव से किससे बनवाई थी अब ये प्रॉपर आप देख पा रहे हैं कि राधा और कृष्ण कहां कौन सा कलर भरा गया है अगर ये थोड़ा भी इधर उधर होगा तो कुछ का कुछ बन जाएगा है ना तो इसका मतलब जो लोग ये काम कर रहे हैं उनमें क्या है एक स्पेशल इंटेलिजेंस है कि कहां नाक बनानी है कहां आंख बनानी है कहां कौन सा रंग कितना महीन होना चाहिए ठीक तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस है अंतः व्यक्ति किस में चाहिए खुद को जानने वाली चाहिए फिलोसोफर में लेकिन मूर्तिकार में क्या चाहिए या मधुबनी पेंटिंग को बनाने में क्या चाहिए स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए दिशाओं का ज्ञान चाहिए हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो मामला खराब तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर बाकी कुछ बनेगा नहीं देखिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेस ऑन यानी जो अनुभवात्मक अधिगम होता है वो किस पर बल देगा बताइए अनुभवात्मक अधिगम जो है वो किस पे बल देगा एक्सपीरियंशियल का मतलब है एक्सपीरियंस से सीखना सिंपल एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हालांकि कोल्ब करते हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको एक्सपीरेंशियल लर्निंग का मतलब सिंपल समझना बच्चे को एक्टिव रखना है उसके अनुभवों से सिखाना है बच्चों को एक्टिव आपको हर ऑप्शन में रखने की कोशिश करनी है जब तक नॉट ना लगा हो बच्चे के हित में बात करनी है अगर आप बच्चे के हित को पहचान लेंगे चार ऑप्शन में से आपका जवाब सही हो जाएगा ऐसा हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही हूं लेकिन बेस्ट कौन सा है जो बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित की बात करेगा जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा होगा उसके अनुसार ठीक है ना क्लियर है चलिए फटाफट से हम आधा पेपर सॉल्व कर चुके हैं आधा भी कर लेंगे अगले दस पंद्रह मिनट में एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देगा टीचर के कंट्रोल पे नहीं भाई बच्चे के अनुभव पे री नहीं क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है रचनात्मकतावाद से जिसमें बच्चा एक्टिव होता है तो टीचर का कंट्रोल टीचर सेंटर्ड नहीं चाइल्ड सेंटर्ड चाहिए हमें री होता है कि पुनर्वलन गुड वेरी गुड ये वो नहीं यहाँ पे बच्चे का अनुभव उसको अपने आप ही मोटिवेट कर देगा तो ये इसकी भी जरूरत नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कि आप अपने अनुभवों पर रिफ्लेक्ट करके देख पाए आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर कि आप अपने अनुभवों पे प्रकाश डाल के देख पाए कि क्या जो आपने किया जो पेंटिंग बनाई जो एक ऐसे लिखा क्या वो सही था उसमें और क्या बेटरमेंट हो सकता था उसको और कैसे बेहतर तरीके से जैसे इस सेशन के बाद अगर मैं ये सोचू कि यार ये वाला ना ऐसे दिया जा सकता था दैट मैं क्रिटिकली रिफ्लेक्ट कर रही हूं That means मैं प्रकाश डाल रही हूँ मेरे ही एक्शन पे मेरे ही अनुभव पे अनुभव पर और इस अनुभव से मैं बेहतर सीख पाऊंगी अगली बार तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अनुभव पे जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं प्रकाश डालते हैं सोचते हैं उस पर हर एक पक्ष से एनालाइज करते हैं क्रिटिकली देखते हैं तो आप क्या कर पाते हैं बेहतर लर्निंग हो पाती है वही बात यहाँ है लर्निंग एज अ प्रोडक्ट नहीं लर्निंग को प्रोसेस की तरह देखेगा देखेगांशल लर्निंग रट्टे नहीं लगवाता है लर्निंग बाय डूइंग होती है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखेगा ये क्या कहता है भाई बिल्कुल बैच के बारे में अभी बताऊंगी कोई पूछना बैच में क्लास कब से क्लास आपकी कल से शुरू हो गई है और क्लास तो आपकी इवन मंडे से शुरू हो गई है अगर आप बाकी टीचर्स की बात करेंगे और ये क्लास भी मैंने बैच में लगवाई है लेकिन चैप्टर वाइज जो है आपका आ, दिवाली के बाद से मेरा सेशन बाकी लोगों का चल रहा है बाकी टीचर्स सारे आपकी ले रहे हैं क्लास विच ऑफ द फॉलिंग इज एन इफेक्टिव मैथड टू एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रन यानी बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है यानी समस्या समाधान क्या भाई लाइफ है प्रॉब्लम्स आएंगी तो बच्चे को भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए तो उसका तरीका कौन सा बेहतर है डिस्करेज करेंगे इंडिपेंडेंट थिंकिंग को कि खुद से स्वतंत्र चिंतन नहीं करना जो हमने बता दिया एज अ पेरेंट एज अ टीचर वही करना है तो, ये तो नेगेटिव तरीका हो गया बच्चे का हित कहाँ है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग तो तब होगी ना जब आप इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से उसको मौका दें सोचने का समस्या के समाधान तक पहुंचने का एनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स तो भैया आसान आसान प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिफिकल्ट नहीं करेंगे नहीं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इजी टू डिफिकल्ट जाएगा बच्चा प्रोवाइडिंग दैम विद रेडी मेड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम यही हमारे कई बार बड़े करते हैं हमारी जो इंडियन कल्चर है हमारा जैसे इस चीज में शायद कई लोग बहुत अच्छे से भी बट सब कल्चर को तो खैर क्या ही करें बट हाँ काफी हद तक एक चीज चलती है इसमें कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों के लिए हमारे हम ही डिसीजन ले लें सारे है ना उन्हें शादी किससे करनी है उन्हें नौकरी क्या करनी चाहिए उन्हें काम क्या करना चाहिए उन्हें कहाँ जाना चाहिए उन्हें क्या पहनना चाहिए सारी चीजें हम डिसाइड कर लें सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं है और इसमें उनकी इंटेंशन अच्छी होती है पेरेंट्स की ऐसा नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं बट क्या इससे रेडीमेड सॉल्यूशन जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कहां भागेंगे अपनी बैसाखी या ढूंढने वो बैसाखियां क्या है आपके पेरेंट्स के आप बता दीजिए क्या सॉल्यूशन क्या करूं है ना आप ढूंढ लीजिए मेरे लिए लड़का क्योंकि कल को कोई दिक्कत निकली तो मैं आपको ही कहूंगी आके पकड़ूंगी सबसे पहले कि आप ही लेकर के आए थे इसको है ना तो ये क्या हुआ हम फिर यहां पर डिपेंडेंट बन रहे हैं हम यहां पे रेडीमेड सॉल्यूशन अगर ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक समय तो ऐसा आएगा जहां हमारे डिसीजन हम, हमें ही लेने होंगे ठीक है ना तो ये ये जो प्रॉब्लम है वो यहां पे रेडीमेड सॉल्यूशंस के साथ होती है कि इससे बच्चा इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाता क्योंकि आप रेडीमेड सॉल्यूशन खुद ही दे दे रहे हैं ठीक है ना तो इसको हटाएंगे फिर रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख पाए गिविंग देम अपॉर्चुनिटी क्योंकि हर कोई हर समय उनके साथ नहीं होगा जीवन में रेडीमेड सॉल्यूशन उन्हें देने के लिए गिविंग दैम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेन स्टॉम एंड मेक इंट्यूटिव गैसेस यानी उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना यानी खुद से ब्रेन स्टॉम करें क्या सोल्यूशन हो सकता है दिमाग दौड़ाएं दिमाग पर थोड़ा जोर डालें कि क्या सोल्यूशन हो सकता है अपने अनुभव के बेस पर उनको अपॉर्चुनिटीज दें ऐसी जहां वो सोच पाए उनके इंटूटिव गैसेज कम आए उनका अनुमान अंदर से उनको जो लग रहा हो अरे ये भी कर सकते हैं यह भी कर सकते हैं तो तब टीचर और बच्चे साथ में मिलकर सोल्यूशन निकालें यानी पेरेंट्स और बच्चे साथ में मिलकर सोल्यूशन निकालें कि पापा मुझे तो ऐसा लगता है है ना और आपको कैसा लगता है तो मिल करके एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं या बच्चे की खुद की थिंकिंग जो है डेवलप हो रही है ऐसा नहीं है कि एक तरफ से रेडीमेड सोल्यूशन दिए जा रहे हैं तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन आएंगे वापस ज्यादा आगे निकल गए देखिएगा एटीनथ क्या कहता है भाई ये वही क्वेश्चन है जिससे डरने लग गए हैं आजकल आप लोग तीन से चार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं ठीक है ना क्वेश्चन क्या कहता है अजर्शन है यानी एक अभिकथन है और रीजन है स्टेटमेंट है टीचर शुड क्रिएट अ ये हमने कल भी किया था आई थिंक टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन शिक्षकों को सार्थक वातावरण मीनिंगफुल एनवायरमेंट जिसका कोई मतलब हो वो बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि टीचर्स को कैसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि बच्चे पार्टिसिपेट करें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ऐसा नहीं अच्छा बताओ पापा जी क्या करना है या बताओ टीचर जी क्या करना है वही करेंगे चुपचाप से कुछ कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उनका है ना तो ये बात सही है कि उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए और एंगेजमेंट हो बच्चों का भी बच्चे खुद से इन्वॉल्व होकर के सीखें तो उनको याद भी रहेगा मतलब वो मीनिंग मेकिंग कर पाएंगे रियल लाइफ से जुड़ पाएंगे चीजें रीजन क्या है ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रेंजिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग यानी सारे बच्चे क्या होते हैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं सीखने के लिए और सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं ये बात चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी मैं हर साल आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो ये मानती है कि बच्चा जन्म से क्यूरियस है जिज्ञासु है उसके अंदर जिज्ञासा है हर चीज को देख करके जानने की ये क्या है क्यों है जो हाथ में आएगा यूज करने लग जाएगा तो ये क्या है क्यूरियोसिटी है तो बच्चा क्यूरियस होता है सीसीएस में कहती हूँ सीसीएल क्यूरियस यानी जिज्ञासु है क्रिएटिव यानी क्रिएटिव यानी कुछ नया करने की क्षमता के साथ जन्म लेता है और एबिलिटी टू लर्न ये तीन क्षमताएं उसमें होती हैं हम उसकी इन क्षमताओं को मारते हैं तो ये बात क्या हुई कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए बशर्ते हम उन्हें माहौल सही दें इसलिए हमें मीनिंगफुल एनवायरमेंट देना चाहिए दोनों बातें सही हैं दोनों बातें एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं तो नॉट नहीं यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है है ना बी ऑप्शन इज द राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती यानी लर्निंग में हेल्प नहीं होगी थोड़ा फास्ट कराइए चलिए फास्ट कर देंगे हमारी स्पीड तो बहुत तेज है हम तो सोच रहे हैं आपको चार शब्द समझ आ जाए चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती यानी सीखने में हेल्प नहीं करती ऑर्गेनाइज करना यानी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक साथ जोड़ करके समझना बताओ बिल्कुल हेल्प करेगा कैटेगराइज करना कि भाई ये ट्राइंगल है ये सर्कल है ये क्या है रेक्टेंगल है ये आपका स्क्वायर है कुछ और ही बना दिया स्क्वायर की जगह मैंने देखो ये क्या है आपका स्क्वायर है तो ये क्या किया आपने कैटेगराइज कर दिया अलग अलग कैटेगरी बना दी ऑर्गेनाइज करना क्या है इन्फॉर्मेशन को जोड़ करके समझना दोनों बातें ठीक है कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्या है आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं किसी चीज का बिल्कुल सही है लेकिन डी कॉन्टेक्चुलाइजेशन देखिए कॉन्टेक्चुलाइजेशन के आगे डी लग गया इसलिए गड़बड़ हो गया नहीं तो ये पॉजिटिव था कॉन्टेक्चुलाइजेशन संदर्भीकरण अच्छा होता है कि आप संदर्भ से समझा रहे हैं जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया इंडिपेंडेंट थिंकिंग का वो माँ बाप वाला वो क्या है? मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ तो संदर्भ के बारे में जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो बेहतर समझ आएगा लेकिन गैर प्रासंगिकरण क्या है बस आपने डेफिनेशन बता दी समझ कुछ आया नहीं बच्चे को तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता उसको रियल लाइफ से जोड़ा ही नहीं तो यही नेगेटिव हो गया ये गलत जवाब है और गलत जवाब है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत जवाब था है ना जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था नॉट लिखा हुआ था क्वेश्चन में नॉट वाले क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना होता है ठीक है ना बात तो अधिगम के दौरान ये समस्या बनेगी चलो दस सवाल और हैं फटाफट से करते हैं दस मिनट में Which of the following इज एन एग्जाम्पल अब आप जल्दी से जवाब दीजिएगा पोल में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन their ओन थिंकिंग यानी एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण इन चार में से कौन सा प्रश्न है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने का मौका मिलेगा यानी रिफ्लेक्ट कर पाएंगे रिफ्लेक्ट मतलब प्रकाश डाल पाएंगे अपने ही चिंतन पर अपनी ही लर्निंग पर ये पेपर टू के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है जितना पेपर वन के लिए पहला है वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड वर्ब्स इन अ सेंटेंस यानी चार तरह के क्वेश्चन है जिसमें से आपको पहचानना है किसमें बच्चा सबसे ज्यादा अपनी सोच पे प्रकाश डालेगा वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड वर्ब्स इन अ सेंटेंस एक सेंटेंस में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध होता है तो जो उसने डेफिनेशन पढ़ी होगी वो फटाक से निकाल के बता देगा वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब जो याद की होगी बता देगा पढ़ी होगी बता देगा इसमें रिफ्लेक्ट करने का मौका उतना नहीं मिला हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू दी प्रेजेंट टेंस चलो इसमें भी कुछ हद तक वो सोचेगा और कहेगा कि अच्छा ऐसे प्रेजेंट टेंस में इसमें आईएनजी लगा देंगे ये कर देंगे चेंज हो जाएगा हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास यानी कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है यानी जब आपने वर्ब पढ़ना शुरू किया था इस क्लास के शुरुआत में और अभी उसमें वर्ब के बारे में जो आप सोचते थे या जो आपको समझ आता था उसके बारे में चेंज क्या हुआ है अब बच्चे को सब कुछ समझ आएगा

वो कौन सा उदाहरण है जिसमें आप फेलियर को इंटरनल फैक्टर्स पे डाल रहे हैं एक होता है एक्सटर्नल टीचर ने खराब पढ़ाया था पेपर बहुत मुश्किल आ गया था है ना आ, मेरा मूड तो चलो ये तो अपने बारे में हो गया तो टीचर ने खराब पढ़ाया पेपर मुश्किल आ गया था पेपर जहां देने गए थे सेंटर में वहां बहुत शोर था ए सी नहीं चल रहा था पानी नहीं मिला था है ना ये सब क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये सब क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बराबर वाली आंटी ने टोटका कर दिया था ये सब क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इंटरनल फैक्टर्स क्या है मैंने ठीक से मेहनत नहीं की जितनी प्रैक्टिस करनी थी उतनी प्रैक्टिस नहीं की है ना तो ये क्या है इंटरनल फैक्टर पे फोकस करना इंटरनल फैक्टर कहां मिलेगा आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी इनफ यानी इंटरनल फैक्टर है कि मैं परीक्षा में फेल होगा क्योंकि मैंने पर्याप्त तो पढ़ाई नहीं की थी जितनी करनी चाहिए थी ठीक है ना तो आई रिसीव्ड अ लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज अ टफ ग्रेडर कि टीचर भाई कठोर अंक देता है ऐसा कुछ हद तक हो सकता है बट हर जगह थोड़ा ना और इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो बाहरी आरोपण हो गया तो ये हमें नहीं पूछा इट पूछाट गेट गुड मार्क्स आई डिडेंट गेट गुड मार्क्स बिकॉज द टीचर बायस्ड टीचर को मैं पसंद नहीं था दूसरे वाली लड़की पसंद थी आई फील बिकॉज माई फ्रेंड्स वर डिस्ट्रैक्टिंग मी मेरे दोस्त मुझे भटका रहे थे तो भैया आप भटक क्यों रहे थे तो ये भी एक्सटर्नल हो गया इंटरनल सिर्फ बी ऑप्शन में है कि जहां आप रीजन बाहर नहीं अंदर तलाश रहे हैं कि मैंने मेहनत ठीक से नहीं की थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड देखेगा ये कहता है एक स्टेटमेंट दे दिया और एक रीजन दे दिया इसका स्टेटमेंट क्या है एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स एज टॉयज वाइल्ड बॉयज प्रेफर टू प्ले विद कार्स बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौनों के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं एक तो ये स्टूडियो है लेकिन ये कुछ हद तक सही है हुआ कैसे स्टूडियो भी तो कुछ हद तक बनते हैं ना बनते 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 जनरलाइज जब हम उन्हें करना शुरू करते हैं सामान्यकरण जब शुरू करते हैं तो ज़्यादातर कल्चर में कम उम्र से ही लड़कियां जो हैं वो गुड्डे गुड़ियों गुड़ी, के साथ खेलना शुरू करती हैं और लड़के जो हैं वो कार्स के साथ खेलना शुरू करते हैं ये बात सही है अब यहां से ये नहीं पूछा कि जेंडर स्टीरियोटाइप है या नहीं है ये जनरली ये पूछा है कि ऐसा होता है देखा गया है ऐसा होता हुआ तो क्या ये बात कल्चर की वजह से या भी वजह से हमने कह दिया ठीक है भाई आगे पढ़ेंगे रीजन क्या है इसका चलो होता है मान लिया ट्रू चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ वट अ पर्टिक्युलर कल्चर एक्सपेक्ट एंड बिहेव अकॉर्डिंगली ऐसा इसलिए होता है इसका कारण इसलिए क्या दिया इन्होंने कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं क्योंकि हम जिस संस्कृति में होते हैं और ज्यादातर संस्कृति का हाल यही है कि लड़कियों को गुड़ियों के साथ खेलना तो विशेष संस्कृति की अपेक्षाएं जो समाज की हमसे अपेक्षाएं होती हैं या कल्चर की हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लड़की हो तो ऐसे कपड़े पहनो ये काम करो ऐसे बोलो है ना तो ये क्या है विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर हम यानी बच्चे या एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त मानिए जाने वाले व्यवहार को क्या करते हैं जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं इसका रीजन, है। इसका रीजन ये है इसका रीजन ये नहीं है कि नेचुरली लड़कियों को गुड़ियां पसंद है और लड़कों को कार पसंद है क्योंकि समाज ने सालों साल से जनरेशन तक एक पूरा कल्चर में एक वाइब क्रिएट की है है ना जेनजी को वाइब समझ आता है तो वाइब क्रिएट की है कि भैया लड़की हो तो ये वाले कपड़े तुम पे अच्छे लगेंगे ये वाले नहीं तो हम समाज यानी बच्चे भी समाज के अनुसार जो एक्सपेक्टेड है उनसे क्योंकि उनको गुड गर्ल और नाइस बॉय बनना है कोहलबग की थियरी याद कीजिए तो वो वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं ठीक है ना तो ये क्या हुआ ये बात भी सही है कि इसका रीजन ये है इसका रीजन ये नहीं है कि ये जेंडर की इनहेरेंट बात हो गई कि सारी लड़कियों को फिर गुड्डे ही और गुड़िया ही पसंद होनी चाहिए तो ये बात भी सही है है ना इसको जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी बट ये पूछा जिस तरह से अगर ये सिर्फ इतना होता तो हम इसको गलत कह देते लेकिन इसका रीजन जो दिया है वो बात इनकी सही है तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर यहां पे सेवेंटी फाइव परसेंट लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा ये क्या पूछते हैं एज पर को डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज अमॉन्ग चिल्ड्रन यानी ले के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता यानी उनके जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण तो भूमिका निभा, निभाता है उसमें कॉन टेंजिबल रिवॉर्ड रिवॉर्ड की बात ना वाइगॉस की करेंगे ना प्याजे करेंगे ना कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद करेगा जिससे ये दोनों बिलोंग करते हैं सोशल आइसोलेशन नहीं इंटरेक्शन आइसोलेशन ने बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया समाज से आइसोलेट कर दिया ये गलत है स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं डिफ्रेंशिएटेड करिकुलम सबके लिए एक जैसा नहीं ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखेंगे तो पीयर कोलैबोरेशन के बच्चा अपने दोस्तों में अपने सहकर्मियों में ग्रुप में सीखे इसकी बात वाइगॉस्की करते हैं और इसको महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उसके कॉन्सेप्ट जब वो चार लोगों में इंटरेक्ट करता है ये सेशन देख के गए आपने डिस्कस किया तो पक्की हो जाती है वो चीज दिमाग में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अगेन वाइगॉस्की पे है देख चुके हैं आप कितने वाइगॉस्की पे क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की थियरी इनर स्पीच लेव वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक इनर स्पीच आपको पता ही है नहीं पता है, तो बता देती हूँ छह से सात वर्ष की उम्र में आ जाती है पहले आपका दो वर्ष में आप सोशल स्पीच सीखते हैं तीन प्रकार की स्पीच है वाइगॉस्की के अनुसार दो से तीन वर्ष में आप समाज में बोलना शुरू कर देते हैं मम्मी पानी दे दो पापा खाना दे दो वॉट फिर उसके बाद तीन से छह वर्ष के बीच में आप प्राइवेट स्पीच खुद से बातें करना शुरू कर देते हैं बोल बोल के फिर छह वर्ष से के बाद या छह वर्ष से ही शुरू हो जाती है चीज छह सात वर्ष में कि आप मन में बातें करना सीख जाते हैं उसी मन में बात करने को इनर स्पीच कहते हैं सिक्स सिक्स ईयर्स ऑनवर्ड्स है ना छह साल की बाद कम से कम होगी यहाँ पे तो लेव वाइगॉस के अनुसार आंतरिक वाक यानी मन में बात करना इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद एन इमेजिनरी फ्रेंड यानी उन्होंने एक काल्पनिक दोस्त बना लिया उससे बात करने का तरीका है जी नहीं फिर आता है इज अ साइन ऑफ कॉग्नेटिव इमेच्योरिटी बच्चा इमेच्योर है बिल्कुल भी नहीं ना प्याजी ना वाइगॉस की कोई भी समझदार व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि बच्चे की जो एक्टिविटी है वो इमेच्योरिटी में कर रहा है इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले कोई डिले नहीं है ये तो प्रोसेस का पार्ट है इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देर ओन थिंकिंग वो अपने थिंकिंग को बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है वो एक दिशा देते हैं खुद से बात करके मन में कि किस बात को कैसे कहना है कुछ भी सामने नहीं बोल देता डायरेक्ट ठीक है ना मन में गालियां दे रहे हैं बिशक आप तो आपको बताया अपनी सोच को नियंत्रित कर रहे हैं कि कहां देनी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखिएगा फोर ईयर ओल्ड अपर्ना सेज दैट अ बटन इज अलाइव बिकॉज इट हेल्प्स ट्राई हर शर्ट टूगेदर एक चार साल की बच्ची है जिसका नाम है अपर्णा वो कहती है कि मेरा जो शर्ट का बटन है ना ये जिंदा है है ना इसमें भावनाएं हैं ये जीवित है अलाइव है शर्ट का बटन सुन पा रहे हो इट हेल्प टाई हर शर्ट टूगेदर क्योंकि इसकी वजह से मेरी जो शर्ट है वो ये बांधने में मदद करता है मेरी शर्ट को बटन की बात हो रही है बच्ची ये मान लीजिए बटन होता है हमारी शर्ट में टी शर्ट में वो कह रही है ये एकदम रियल है है ना टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत थी इस बार मेहनत कीजिए टारगेट बैच लिया है बट कल की वीडियोस डिलीट हो हो गए ऐसा क्यों सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच हो रूमा एक बार लॉग इन करके देखना फिर से है ना कोई दिक्कत ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली वो आप ये देखो ऐसा हो सकता है वो टुडे वाली वीडियो से हट के, आपके जो नॉर्मल बैच है उसमें आ गई होंगी क्योंकि वो कल आपको दिख रही होंगी टुडेज वीडियो वो हर दिन का अलग होता है ना उस दिन कितने सेशंस हुए हैं उस दिन कितनी क्लासेस हुई हैं तो वो आपके नॉर्मल बैच में शो कर रही होंगी ऐसा नहीं होगा देखिएगा तो टू ऑप्शन सेवेंटी फाइव लोग दे रहे हैं के चार वर्ष की अपर्णा कहती है कि बटन जो है वो जिंदा है क्योंकि यह है उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है जीववाद जीववादी चिंतन है कि जब बच्चा निर्जीव को सजीव समझता है है ना वो कहेगा इस पेन को चोट लग गई होगी गिर गया पेन चोट लगी होगी इसे क्यों क्योंकि इसकी भी तो भावनाएं होंगी भाई तो ये क्या एनिमिस्टिक थिंकिंग है यानी जीववादी चिंतन है ठीक अगर हम बात करें जैसे फोन को चोट लगती है मतलब ये बात तो बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे अगर फोन गिर जाए आज की डेट में हमारा क्योंकि हमारा फोन के साथ संबंध डिफरेंट हो गया तो हमें लगता है बिल्कुल दिल पे लगती है बात एक तो इसलिए कि बड़ा फटका लगेगा टूट गया तो दूसरा कि भाई कहीं डेंट आ गया इसको चोट लगे सच में ऐसे फीलिंग आती है कई लोगों को जबकि फोन फील तो नहीं कर सकता चोट तो नहीं लगेगी टूट जाए बेशक है ना तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है जब हम निर्जीव चीज को जब हम नॉन लिविंग को लिविंग समझते हैं कब होता है ये दो से छः वर्ष के बीच में ही होता है ठीक है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में अगर हम बात करें ट्रांसडक्टिव रीजनिंग की तो देखो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी इसी स्टेज में होती है लेकिन ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में फर्क क्या है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्यों नहीं कहा हमने इसको भाई हमने इसको एनिमिस्टिक ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में दो चीजें होती हैं एक आपका ए इंसिडेंट होगा दूसरा बी इंसिडेंट होगा दोनों को बेवजह से जोड़ देंगे कोई आपस में रिलेशन नहीं है जैसे हवा चलने का और आपके घर में किसी व्यक्ति के आने का कोई रिलेशन नहीं है अनलेस वो हवा से उड़ के ना आ गया हो है ना मजाक कर रही हूं तो अगर हम बात करें कि बादल सफेद होते हैं क्योंकि कोई उनको पेंट करके जाता है ऐसा अगर बच्चे को लग रहा है इसका मतलब दो अनरिलेटेड इवेंट्स हैं बादल सफेद होना बादल का सफेद होना और किसी का पेंट करना ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है है ना या फिर हवा चलती है तो कोई तो हवा चला रहा होगा कूलर से या पंखे से कहीं से तो हवा कोई भेज रहा होगा अब ये दोनों इवेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है चंदा मामा है तो चंदा मामा मामा और चंदा दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है लेकिन हमने जोड़ दिया तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में दो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अनरिलेटेड होते हैं है है ना मेरे मेरी जो बॉल है, वो चांद की जैसी है है ये ये वो तो ये क्या बेसिकली रीजनिंग में दो इवेंट्स होंगे जबकि एनिमिस्टिक थिंकिंग में आप निर्जीव चीज को सजीव समझ रहे हो ठीक है ना सेंट्रेशन होता है एक ही पक्ष पे आपका ध्यान हो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बहुत बाद में आती है तो ये सिंपल आंसर है इसका एनिमिस्टिक थिंकिंग तो ये में आप कंफ्यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है

लक्षण पहचानना है कि कौन से बच्चे को ऑटिज्म होगा। पहचान लेता है कि क्या रियलिटी है क्या फिक्शन है एडवांस्ड सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी ये अगेन ये तो बड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चा हो गया फ्रिक्वेंट रेपिटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर बात बिल्कुल सही है कि बार बार दोहराव और आवर्ती वाला व्यवहार ऑटिस्टिक बच्चा करता है स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर या रेपिटेटिव बिहेवियर एक बात को बहुत बार रिपीट करेगा उसके आसपास ज्यादा लोग या सोशियो इमोशनली वो बहुत कमजोर रहता है जो इसमें कहा ना एडवांस नहीं होता वीक होता है लोगों में घुलना मिलना ज्यादा उसको पसंद नहीं होता उसके रूम में अगर एक चीज़ इधर रखी हुई है कल आपने उधर रख दी इस बात से भी वो डिस्टर्बेंस उसके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घुलना मिलना या बहुत ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं करता अपनी बात को बार बार रिपीट करेगा तो ऑटिस्टिक बच्चा जो फ्रिक्वेंट रेपिटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर करेगा बार बार सेम व्यवहार को रिपीट करना हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा बल्कि कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है रिपीट करता है बात को बार बार तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर तो ये सारी डिसेबिलिटीज हैं जिनको हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखिए देखिए थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है अजर्शन और रीजनिंग वाला एक स्टेटमेंट है क्या है टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स टीचर्स शुड एक्सपोज देम टू डायवर्स सिचुएशंस एंड डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स में आता है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर वो भी इस बात को कहती है कि ये पेडागोजी का ही हिस्सा है जो उसमें डायरेक्टली मैंशन नहीं है कि बच्चे में इक्कीसी शताब्दी के कौशलों में से एक कौशल है ये आपके नोट्स में भी दिया हुआ है हाँ डेली चलेगी क्लास बिल्कुल अंशु नौ बजे शाम को ये क्लियरली दिया हुआ है क्योंकि आप लोगों ने नौ बजे का टाइम चूज किया मैंने आज दिन में भी पोल दिया था सत्तर किया है नहीं तो मैं बजे भी रख सकती थी टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स टीचर शुड एक्सपोज देम टू सिचुएशन एंड डिफरेंट परसपेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग यानी जब आप हर एक पक्ष को देख पाए किसी चीज के बस मान ना लें कि दो के नोट में चिप होती है ये मान लिया आप देखें क्या सच में होती है पॉसिबल है सारे पक्ष देख पाए किसी चीज को एनालाइज कर पाए क्रिटिसाइज कर पाए जस्ट मान ना लें फैक्ट्स देखें ओपिनियन देखें तब समझें इसके लिए ये करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए एनईपी भी कह रही है भाई रीजन क्या है इसका स्टूडेंट्स लर्न एंड एन एनरिच देर एबिलिटीज टू तो थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एज दे एंगेज इन संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं आप देखते ना डिबेट्स होती हैं बहुत बार डिबेट्स में बहुत अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो सकता है जो बहस होती है ये टीवी वाली नहीं जिसमें सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं बस कोई काम की बात नहीं कर रहा ऐसा बहुत बार होता है कई बार काम की भी होती होंगी तो अगर हम देखें तो एक व्यक्ति है जो एक पार्टी में है यानी उसका एक थॉट है जो प्रो में है मान लीजिए कि भाई लड़कियों को एजुकेट करना चाहिए या जेंडर को लेकर एक डिबेट है तो एक व्यक्ति है जो ए पार्टी में जो कहता है हाँ होना चाहिए दूसरा है जो कह रहा है नहीं वैसे तो ये मूर्खपूर्ण हो गया इसमें आसानी से समझ आ जाएगा आपको सही कौन है बट ऐसे और भी मुद्दे हो सकते हैं कि भाई क्या गाड़ियों को बंद कर दें पॉल्यूशन इतना हो रहा है देश में दुनिया में जो दिल्ली का ए क्यू आए है हवा सांस लेने लायक बची नहीं है है ना बहुत ज्यादा हार्मफुल है जितना होना चाहिए उससे तो ये क्या है अब कई लोग इसमें कह रहे हैं यार लोग काम काम पे कैसे जाएंगे एक व्यक्ति होगा जो प्रो होगा एक एंटी होगा अब इससे क्या होगा आपको सारे ही पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे सोचने का मौका मिलेगा अलग अलग पक्षों पे तो दोनों बात सही है इससे क्या होगा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, हो पाएगी तो बोथ ए एंड आर आर सही एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो जब ए के बारे में आर बात कर रहा हो और सही से बात कर रहा हो तो आप कहेंगे ए के बारे में ही बात कर रहा है और सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखिए प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी यानी सीखने का मुख्य गोल क्या होना चाहिए प्राथमिक गोल या प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए क्यों सीख रहे हैं हम रट्टे लगाने के लिए तथ्यों के मेमोराइजेशन कई लोग तो कह देंगे हाँ बट कायदे में नहीं याद अपने आप हो जाता है जब आप समझने लगते हैं बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल यंत्रवत याद करने पे रट्टा दो एकम दो दो दूनी चार कहां से आए पता नहीं तो बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल एक होती है रोट लर्निंग दूसरी होती है मीनिंगफुल लर्निंग यानी रटना और दूसरा है अर्थपूर्ण अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग जिसमें आप लाइफ से सीख रहे हैं कुछ या आपके जीवन से जुड़ रही है वो चीज कॉम्पीटिंग विद पियर ये भी गलत है प्राइमरी गोल ये थोड़ी है कि मुझे शर्मा जी के बेटे से या बेटी से फर्स्ट आना है मुझे तो अपने जैसा बनना है बेहतर बनना है जैसा मैं कल था उससे आज लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि कैसी माहौल में हम रहते हैं कई बार द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना कि मैं सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाऊं जस्ट मान ना लू कोई भी बात मुझे कही जाए और मैंने कह दिया हाँ ठीक है यार कहां से आया क्यों आया क्या रीजन है कुछ नहीं फैक्ट क्या है उसके पीछे कुछ नहीं बस फलाने ने कहा है तो ऐसा ही है तो डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो मतलब हमारे अंदर समालोचनात्मक चिंतन आए हम हर चीज के हर पहलू पे सोच पाए ये है प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन चलिए आगे बढ़ते हैं लर्निंग सीखने का उद्देश्य है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम इफेक्ट चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ आ कॉन्सेप्ट प्रोसीड फ्रॉम यानी बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा कोई कॉन्सेप्ट किस तरह से सिखाया जाए पहला है जेनरिक टू स्पेसिफिक सामान्य से विशिष्ट की ओर सामान्य क्या है नाउन की पहले डेफिनेशन दे दी ये सामान्य है डेफिनेशन इसका उदाहरण दे दिया ये हुई क्या आपकी स्पेसिफिक नॉलेज उदाहरण भाई नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन और फिर हिमांशी बता दिया कि हिमांशी भी क्या हुई एक नाउन हुई चलो ठीक है फिर बी ऑप्शन देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट क्या है जिसको छुआ जा सके जिसको देखा जा सके उसके बाद ऐसे उदाहरण जो अमूर्त हो जिनके बारे में सोचना पड़े जो सामने ना हो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सरल से जटिल जाते हैं जटिल से सरल नहीं जाते रैशनल टू एम्पेरिकल नहीं अनुभव से रीजन की तरफ लेके जाते हैं बच्चे को कि जो उसने एक्सपीरियंस किया है उससे उसके पीछे रीजन क्या है उस पर लेके जाते हैं ना कि पहले रीजन बताएंगे और बाद में अनुभव कराएंगे ठीक है ना तो एक ही ऑप्शन सही है जनरल टू स्पेसिफिक कि आप पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर लेकर के जाते हैं जिसका एक एग्जाम्पल ये है बहुत सारे एक्साम्पल्स होते हैं कि आप पहले किसी चीज के बारे में बता रहे हैं फिर उसका उदाहरण दे रहे हैं तो ये सही मैग्जिम या आ, वो हुआ आपका फॉर्मूला कह लीजिए टीचिंग का बट मैग्जिम कहते हैं इनको लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज के लिए वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता यानी सीखने का तरीका डिफरेंट होता है जनरली तीन प्रकार की शैली होती है कुछ बच्चे हैं जो देख करके सीखते हैं जिसमें साठ पैसठ परसेंट लोग जो है वो देख करके सीखना ज्यादा पसंद करते हैं जैसे आप वीडियो जल्दी से देख लेते हैं पढ़ने में आपको क्या कहीं मौत आती है या फिर बहुत जोर पड़ता है है ना तो विजुअल लर्नर्स जो हैं जिनको देख करके सीखना पसंद है उनको कोई पिक्चर दिखा दो बजाय की पढ़वाने की कोई वीडियो उनको पढ़ के बता दे कोई कोई चित्र बना दे दूसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स तीस जो सुन करके जिनको जल्दी याद हो जाता है तो इसमें ऑडियो और विजुअल दोनों है इसलिए आपको वीडियो ज्यादा ईजी लगता है पढ़ने से तो कोई दोस्त तो उनको कह दे भाई तू मेरे को सुना दे आंसर पेपर से पहले करते थे ना हम लोग तो उससे जल्दी याद हो जाता है या जो आपने कहानियां सुनी है दादी नानी से वो आज तक याद होंगी कई चीजें पढ़ी होंगी वो शायद याद ना हो तो ऑडिटरी लर्नर होते हैं कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं विजुअल लर्नर सिक्सटी होते हैं दुनिया में ऐसा एक जनरल वो है और तीस uh, लोग होते हैं जो सुन करके ज्यादा अच्छा सीखते हैं पांच परसेंट लोग होते हैं जो काइंस जिनको करवा के ही दिखाना पड़ता है ये तो हुई एक तरीका दूसरा तरीका क्या है डाइवर्स या वेरिएबिलिटी इन लर्निंग का कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रुप में सीखते हैं ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो अकेले पढ़ना पसंद करते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो किताब से पढ़ना पसंद करते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो लैपटॉप पर पढ़ना पसंद करेंगे है ना कुछ बच्चे हैं जिनको एक्टिविटी करके सीखनी है तो सीखने के सबके अलग अलग स्टाइल्स हैं लर्निंग स्टाइल्स हैं सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते इसलिए टीचर को एग्जांपल भी देना है पिक्चर भी दिखानी है एक्टिविटी भी करानी है सब कुछ कराना है ताकि हर तरह का बच्चा केटर हो सके उसका ध्यान रखा जा सके सीख सके वो शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी बिल्कुल सही बात है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता होगी सारे बच्चे एक ढंग से नहीं सीखेंगे इसलिए सबको एक डंडे से नहीं हाँका है डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मैथड्स का इस्तेमाल करना है तो इसका रीजन यह है कि इस चीज को महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि मानव विविधता के प्रतिबिंब क्योंकि हम सब एक जैसे नहीं होते हमारी चॉइसेस एक जैसी नहीं हो सकती हमारे इंटरेस्ट एक जैसे नहीं हो सकते हमारा एप्टीट्यूड हमारा एटीट्यूड हमारा दिखना बोलना खाना हर चीज में तो अंतर है तो जैसा कहा जाता है कि भाई पांच उंगली एक जैसी नहीं होती ऐसे ह्यूमंस में भी डिफरेंसेस हैं सारे एक जैसे नहीं होंगे और ये उसी का प्रतिबिंब है कि सब एक तरीके से सीखेंगे भी नहीं तो ये ठीक बात है कि वेरिएबिलिटी होनी चाहिए इग्नोर नहीं करना चाहिए इस चीज को ऐसा नहीं है कि इस बात पर आप ध्यान ही नहीं देंगे टीचिंग लर्निंग में इसका कोई काम नहीं है या इसको बैरियर या हिंड्रेंस देखेंगे नहीं इसको एसेट की तरह देखेंगे इसको एक पॉजिटिव चीज की तरह देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन आपने कितने ठीक किए वो आप बताएंगे और ठीक करना तो खैर अभी शुरुआत में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये है कि आप पढ़ करके लैंग्वेज को थोड़ा बहुत पकड़ पाएं इसमें भी पंद्रह बीस चौबीस तक भी लेकर के आ रहे हैं कई लोग तेरह कोई दिक्कत नहीं यही स्कोर थर्टी आउट ऑफ थर्टी जाएगा कुछ सेशन्स होने दीजिए बैचेज में भी जो लोग बैच में एनरोल नहीं कर पा रहे हैं वो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं बहुत सारे सेशन्स मैं प्रीवियसली ले चुकी हूँ ठीक है ना तो सुपर क्लास में कविता धन्यवाद मजा आता है मैं भी जब आप लोग के साथ जुड़ती हूँ अदरवाइज ऐसा अभी कोई उद्देश्य नहीं है बहुत जल्दी ऐसे रिटायरमेंट मिल गया जीवन में हर तरह से बट मज़ा आता है काम करने में और मज़े के लिए काम किया जाता है आप लोगों को उससे हेल्प होती है तो उस चीज़ से और मोटिवेशन मिलती है ठीक है ना चलिए आज के लिए इतना ही कोई और बात हो तो आप पूछ लीजिएगा इसके अलावा जो लोग बैचेस में इनरोल करना चाहते हैं सीडीपी में पढ़ाऊंगी इसके अलावा बाकी टीचर्स हैं आपके सारे उधर सर पढ़ाएंगे मैथ्स और आ, अभी जो ट्वेंटी तक आई थिंक डिस्काउंट भी चल रहा है हज़ार बारह सौ का कुछ कोर्स है आपका हज़ार का एक और बारह में दोनों जो पेपर वन पेपर टू सारे सब्जेक्ट्स आपको अलग अलग टीचर्स वहाँ डील करेंगे चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं कल मिलेंगे नौ बजे नौ बजे यूट्यूब पर तो हम डेली मिल ही रहे हैं और बैच में जो क्लास होगी वो होपफुली होपफुली क्या मतलब पक्का ही है दिवाली के बाद तो मैं सोच रही थी एक और क्लास में ले लूँ अच्छा कुछ कॉमेंट्स में पढ़ लेती हूँ आप लोगों के ताकि कोई और बात हो तो कल क्लास होगी बिल्कुल होगी डेली मिल रहे हैं हम लोग अब डेली पी वाई क्यू की बुक कोई भी उठा लो जो मन करे अदरवाइज तो बुक नहीं रहे हो तो सिर्फ सीटेट की वेबसाइट से और अगर बैच में हो तो वहाँ तो सारा मिलता ही है तो अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सच बट फिर भी आप ले सकते हो कोई भी और फिर मैं भी बता दूंगी अगर ऐसा होगा तो जरूरत लगेगी तो क्योंकि ऑफलाइन पेपर में आप लोग मानते नहीं हो बुक तो लेते ही हो और वेट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अच्छा साइंस जूनियर हाँ उसमें बैच में फिर पढ़ाई जाएगी यार सारे सब्जेक्ट तो एक मिनट देख नहीं पा रही हूँ मैं कॉमेंट आपका भाई बैच की क्लास एक क्लास और होगी जो कॉमन होगी यूट्यूब पे और बैच में दिवाली के बाद उसके बाद फिर बैच की क्लास अलग होगी क्योंकि सबके कॉमेंट्स देख पाना फिर एक साथ संभव नहीं होता यूट्यूब की अलग हो जाएगी फिर चलो यार इसमें बस नाम आ रहे हैं मुझे प्रियंका शिल्पा तरुण लापा मुद्रा लोपा मुद्रा ये कौन सा नाम है भाई महिमा प्रियंका ब्यूटी ये सब बैच वाले लोग हैं जो मैं देख पा रही हूँ बट इनके कमेंट नहीं देख पा रही हूँ नाम ही देख पा रही हूँ अभी पूजा खान सुमित नेहा प्रीति साक्षी तरुणा राजेश चलिए भाई ठीक है मिलेंगे आप लोगों से और उजमा चलिए शिवम और आप लोग भी यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं बाईस का आंसर दो 22 का आंसर दिया तो था चलो दिखा देते हैं एक बार तो कल मिलेंगे नौ बजे शाम को यूट्यूब पे और बैच वाले भी कल यूट्यूब पे ही मिल लीजिएगा देखिएगा बाईस का आंसर दिया तो था ये दोनों बातें सही हैं ये बात जेंडर के परस्पेक्टिव से सही कितनी है उस पर नहीं जाएंगे लेकिन ऐसा होता है उसका रीजन कल्चर है या जो बच्चा अपने आसपास देखता है वो वैसी चीजें चूज करता है इसलिए इसका आंसर जो है बोथ ए एन आर आर ट्रू एन आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यही ऑफिशियल आंसर है यही होना भी चाहिए क्योंकि पूछने का तरीका, तरीका डिफरेंट है।, है ना चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बाय बाय